नमस्कार, मैं आचार्य कल्की कृष्णाश्रोजम.com से एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन हमारे सामने है कोविड-19 का, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस बारे में प्रक्रिया किस तरह दूं, प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं या दुखी हूं, हैरान। जब हम लोगों ने सितंबर में अपना कोरोना कोविड-19 के बारे में नवीनतम अपना भविष्यवाणियां की थी, तो उसमें साफ साफ कहा था कि 20 नवंबर के बाद कोविड-19 का कुछ और वेरिएंट आने वाले हैं, और जब WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 20 नवंबर के बाद 24 नवंबर या 25 नवंबर को उन्होंने कहा कि एक और वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में आ गया है, खोज लिया गया है, तो हमारी भविष्यवाणी पर मुहर लग गई। लेकिन और एक अच्छे ज्योतिषी की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह, एक बहुत संतुष्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट था, संतुष्ट पुरक्षण था। लेकिन मानवता के भलाई के सोचने वालों, अपने हम जिस तरह से चिंतित रहते हैं और लगातार मानवता की भलाई के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो उस हिसाब से हमारे लिए चिंताजनक विषय था। और जो सितंबर भविष्यवाणी की, उसकी पृष्ठभूमि यह थी कि हम लोगों ने केवल अष्टोद्योग ने पिछले 1000 साल में आने वाले सभी महामारियों का आंकड़ा, डेटा इकट्ठा किया और उसमें एक सामान्य फैक्टर निकालने की कोशिश की, जिसके आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं उनके बारे में। और हमने फिर जून में अपना प्रेडिक्शन दिया कि 5 नवंबर 2019 में कोरोना कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, और इसकी अंतिम प्रगति जो है 20 नवंबर 2021 को होगी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे दृष्टिकोण को, हमारी सोच को और अन्य जो सी नहीं समझ पाए, उन्होंने मीडिया में और हर जगह बोलना शुरू किया कि 20 नवंबर 2021 से कोरोना समाप्त हो जाएगा। बाद जब हम लोगों के पास तमाम वीडियो इस तरह आने लगे और लोगों ने बताना शुरू किया कि आपकी नकल कर करके लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो कि हमें विवश होकर के इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, स्पष्टीकरण देना पड़ा कि जिस तरह से बताया जा रहा था, इस तरह से कोविड-19 समाप्त होने वाला नहीं। अभी कोविड-19 बहुत दिनों तक चलने वाला है, और इसके 20 नवंबर को समाप्त होने का मतलब हमारा यह था कि उसके बाद उसकी गंभीरता, उसकी मारक क्षमता काफी कम हो जाएगी। यह सबसे प्रभावी जो उसका नष्ट करने की, हमें प्रभावित करने की, हमें बीमार करने की ये जो क्षमता है, वो अधिकतम जो है 5 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2021 तक की। इसके बाद कोविड-19 की उतनी क्षमता, गंभीर क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो हमें 20 नवंबर 2021 के बाद उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सारी सावधानी रखने की आवश्यकता है। और उसी में हमने बताया कि इसके और भी वेरिएंट आने वाले हैं, जिस तरह से भी ओमिक्रॉन का आपने देखा, एक आध और वेरिएंट आएंगे। और दूसरी बात जो हम लोगों ने कही इस बारे में कि अभी बहुत दिनों तक कोरोना उसी तरह से कोविड-19 रहने वाला है, जिस तरह से डेंगू, मलेरिया और तमाम दूसरी समस्याएं मानव जाति के सामने बीमारियां हैं। तो मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि यह ओमिक्रॉन ने की जो आया है, इसने हमारी भविष्यवाणी पर, हमारी सोच पर, हमारी ज्योतिष के विश्वास पर मुहर लगा दी है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग सब सावधान रहें, अभी कोविड-19 पूरी तरह से समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन हम जहां तक व्यक्तिगत स्तर पर आपको सलाह दे रहे हैं, वही सरकारों से और संगठनों से ये बता रहे हैं कि अब उतनी चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से द्वितीय सेकेंड वेव आई थी इंडिया में, बहुत सारे लोग मर गए थे, और क्योंकि सरकारी संगठन तैयार नहीं थे, उस तरह की वेव अब नहीं आने वाली है। बार बार हमारे पास इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या तीसरी वेव, थर्ड वेव आने वाली है। तो हम लोग का स्पष्ट मत है कि अब थर्ड वेव उस तरह की, जिस तरह से वायु वाली थी, उस तरह से नहीं आएगी। जिस तरह से तमाम हमारे यहाँ जाने गई और लोगों ने पीड़ा सही, उस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर मेरी अभी भी सलाह है कि आपको सारी सावधानियां रखें, क्योंकि कोविड-19 और रहने वाला है, ऐसा मेहमान है जिसका धक्के देना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। तो इसके साथ ही मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं आचार्य।